अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अर्तगल गाजी सीजन 3 की एपिसोड 32 में आपको दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में चोलपन और ओराल गोरनल के किले में खाना खा रहे थे। गोरनल चोलपन को कहता है, तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे रिश्तेदार नहीं थे बल्कि करीबी दोस्त भी थे। उन्होंने वसूलियस को परवान चढ़ाकर एक कमांडर बनाया। फिर वसूलियस कहता है, जब बागियों ने आपके बाबा को कत्ल किया तो मुझे शदीद झटका लगा था। गोरनल कहता है, मुझे पता चला है उनके कातिलों को सजा मिल चुकी है। फिर गवर्नर ओराल से पूछता है, तुम हाली बाजार के बारे में क्या बात करना चाहते थे? ओराल कहता है, आप ये जान लें कि मैं हाली बाजार अर्तुरुल से छीन लूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा, लेकिन ये काम मैं सुकून से करना चाहता हूँ। वसूलियस कहता है, तो इसमें हमारा क्या फायदा है? ओराल कहता है, बाजार का आधा मुनाफा आपका होगा। ये सुनकर गवर्नर और वसूलियस दोनों खुश हो जाते हैं। इतने में गवर्नर का हिसाब किताब रखने वाला आदमी आकर कहता है, जनाब जैसा आपने कहा था, मैं लेन देन वाला रजिस्टर ले आया हूँ। गवर्नर पूछता है, जावेदार कबीले को हमने कितने सिक्के अदा करने हैं? वो आदमी कहता है, 1300 सोने के सिक्के। गवर्नर कहता है, फौरन अदा कर दो, हम इनके साथ तजारत जारी रखेंगे। आदमी कहता है, ठीक है जनाब, मैंने हाली बाजार के आदमियों से रकम वसूल कर ली थी, उनके साथ हमारा कारोबार काफी मुनाफा बख्श रहा है। ये सुनकर वसूलियस उसे फौरन पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे मेज पर फेंक देता है। फिर सिक्कों की पोटली उठाकर ओराल के आगे रख देता है और कहता है, इस कमीने ने बाजार के साथ तजारत करके हमारी बात की खिलाफ वर्जी की है, मैंने वही किया जो जरूरी था, मुझे उम्मीद है आप अपने अल्फाज पर कायम रहोगे ओराल साहब। यह देख कर ओराल और चोलपन हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वसूलियस पैतरस को लेकर एक कमरे में जाता है, वहाँ उसका खास आदमी लस्कारिस मौजूद था। वसूलियस कहता है, ये मेरा सबसे बहादुर जंजू है। उस कमरे में तुर्कों की कुछ टोपियां और हथियार पड़े हुए थे। पैदरोस पूछता है, जनाब ये किस लिए हैं? वसूलियस कहता है, कल यहाँ शाही काफला आने वाला है, तुम ये लिबास पहनकर उनको कत्ल करोगे। दूसरी तरफ चोलपन और ओराल किले के एक कमरे में जाते हैं। चोलपन ओराल को बताती है, मैं माँ बनने वाली हूँ, हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। ये सुनकर ओराल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका हाथ चूमता है। दूसरी तरफ कई कबीले के सिपाही मेहमान खाने में खाना खाने में मसरूफ थे। बामसी कहता है, भाइयो आज मेरे पास एक और कहानी है आपको सुनाने के लिए। सामसा कहता है, चलो भाई सुनाओ। फिर बामसी खड़ा हो जाता है और उन्हें एक बहादुर तुर्क जंजू की कहानी सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सब सिपाही पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुरुल कारा जैसर की तरफ जाने के लिए तैयार था। आले को एक रजिस्टर अर्तुरुल को देकर कहता है, जनाब इसमें उनका सारा हिसाब किताब मौजूद है। फिर अरतुल अब्दुल रहमान को कहता है, घोड़े तैयार करो, हम निकलने वाले हैं। बाहर बाजार में एक ताजर सख्त गुस्से में कहता है, अरतुल की वजह से हमारा सारा कारोबार तबाह हो गया है। ये सुनकर गुनगुत उसे पकड़ लेता है और कहता है, अपनी हद में रहो, तुम्हारी जुरत कैसे हुई अरतुल साहब के बारे में ऐसा कहने की? ताजर कहता है, लेकिन ये सच है, अरतुल साहब से पहले हालात बहुत ठीक थे। फिर दुमरुल गुस्से से उसका सामान गिराकर कहता है, अरतुल साहब ने मजालिम सिमन का खात्मा किया है। ताजर कहता है, तुम में और सिमन में क्या फर्क है? तुम भी मेरा सामान बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर दुमरुल उसका गिरेबान पकड़ लेता है। इतने में तुर्गुत वहाँ आ जाता है और दुमरुल का हाथ पकड़कर उसे पीछे हटा देता है। तुर्गुत कहता है, हम यहाँ इंसाफ कायम करने के लिए आए हैं, हमने ताजरों से वादा किया है कि हम उनकी हिफाजत करेंगे और तुम लोग इस तरह अपने सरदार का वादा पूरा कर रहे हो। ये सुनकर गुनगुत कहता है, आप सही कह रहे हैं तुर्गुत भाई, हमारी गलती है। तुर्गुत कहता है, अब इस ताजर का नुकसान पूरा करो। ये देखकर ताजर कहता है, तुर्गुत भाई मैंने बहुत सारे बाजारों में काम किया है लेकिन इस तरह की बहादुरी नहीं देखी, मैं गुस्से में अरतुल साहब के बारे में गलत बोल गया, मुझे माफ कर दें। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया। इसके बाद अरतुल अपने तीन साथियों के साथ करा जैसर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ कई कबीले में बानो जिजेक अंदर आकर बताती है, जानदार साहब आए हैं और वो अरतुल साहब से मिलना चाहते हैं, वो बहुत गुस्से में हैं, मैंने उनको बताया भी है कि अरतुल साहब यहाँ नहीं हैं। हैमा खातून कहती है, भेजो उनको। फिर जानदार अंदर दाखिल होता है। हैमा खातून उसे खुशामदीद कहकर बैठने को कहती है। बैठने के बाद हैमा खातून उसे कहती है, जानदार साहब मैंने कई साल अपने कबीले की नुमाइंदगी की है, जो भी बात है आप मुझे बता सकते हैं।
हैं। जानदार कहता है कल बाजार के मेहमान खाने में जो वाकया हुआ है उससे सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। अर्तुरुल मेरे सबर का इम्तिहान ले रहा है और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे है। हैमा खातून कहती है जानदार साहब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, ये आप क्या कह रहे हैं। जानदार कहता है अगर अर्तुरुल इस तरह करके दोनों कबीलों की लड़ाई चाहता है तो फिर आप तैयारी कर लें, मैंने भी एहतियाती तदाबीर ले ली है। हैमा खातून कहती है आपको एहतियाती तदाबीर अपने खेमे में मौजूद गद्दार के बारे में लेनी चाहिए। जानदार कहता है क्या आप भी अर्तुरुल की तरह मेरे बेटे पर इंजाम लगा रही हैं। हैमा खातून कहती है अर्तुरुल गद्दार की तलाश में है, वो जल्द या देर से उसको ढूंढ लेगा। जानदार कहता है तो फिर उसको गद्दार को कहीं और तलाश करना चाहिए। क्या आप वाकई समझती हैं वो उराल था जिसने कालीने जलाई थी और आपके सिपाहियों को शहीद किया था, और क्या फ्रांसिस्को को उसने उकसाया था ये जानते हुए कि उसकी अपनी बहन मर सकती है। हैमा खातून कहती है जानदार साहब मैं और अर्तुरुल जानते हैं कि वो फितना हमारे अंदर मौजूद है, अर्तुरुल उसे तलाश करेगा और काट डालेगा। जानदार कहता है हैमा खातून मैं आखिरी वार्निंग आपको दे रहा हूँ, मेरे बच्चों से आप सब दूर रहें। अर्तुरुल ने अपना लालचीपन जाहिर कर दिया है, अब मैं उस पर कोई रहम नहीं खाऊंगा। हैमा खातून कहती है एक आदमी को सिर्फ अल्लाह पर एतमाद की जरूरत होती है, मैं जानती हूँ कि अर्तुरुल अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। जानदार कहता है हैमा खातून हम देख लेंगे, फिर खड़ा हो जाता है। हैमा खातून कहती है जानदार साहब अपनी आंखें खोलो, कहीं बूढ़ा भेड़िया अपने खुराक ना बन जाए। जानदार मुस्कुरा कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक शाही काफिला रास्ते में एक जगह रुका हुआ था, उसमें गवर्नर की बीवी हेलेना और उसका मंगेतर भी शामिल था। हेलेना कहती है मुझे बाबा से दोबारा मिलने की बहुत खुशी हो रही है। इतने में उनके काफिले पर हमला हो जाता है, कुछ सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं, फिर चारों तरफ से बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हेलेना एक तरफ छुप कर देखने लगती है, कुछ देर बाद उसका मंगेतर मारा जाता है। ये देखकर हेलेना बहुत परेशान हो जाती है और वहां से भागने लगती है। इतने में पेत्रोस उसका निशाना लेकर तीर चला देता है जो कि हेलेना के कंधे में लग जाता है। वो एक बार नीचे गिर जाती है लेकिन फिर भागने लगती है। पेत्रोस अपने आदमियों को कहता है पकड़ो इसको, जिसके बाद बहुत सारे आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल और उसके साथी काराजेसर के किले के करीब पहुंच जाते हैं और कुछ देर खड़े होकर देखने के बाद आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो किले के मरकजी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, दरवाजा खुलता है और वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। घोड़े से उतरकर अर्तुरुल एक सिपाही को कहता है गवर्नर को जाके बताओ के कई कबीले से अर्तुरुल साहब उसे मिलने आए हैं। सिपाही कहता है यहाँ इंतजार करें, फिर अंदर चला जाता है। तुर्गुत कहता है इंशाल्लाह एक दिन हम इस किले को भी फतह करेंगे भाई। अर्तुरुल कहता है इंशाल्लाह तुर्गुत। अंदर जाकर सिपाही बताता है कई कबीले के अर्तुरुल साहब आए हैं। गवर्नर और वसूलियस एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। गवर्नर कहता है भेजो उसको, फिर गवर्नर वसूलियस को कहता है वो सीधा हमारे जाल में चल कर आ गया है, अगर ऐसे ही जारी रहा तो हम जल्द तुर्कों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ उराल वापस अपने कबीले में पहुँच कर कहता है मैंने अपने सारे सिक्के वसूल कर लिए हैं बाबा। जानदार कहता है बेटा तुमने मेरा दोबारा सर फखर से बुलंद कर दिया है, अगर मैंने पहले तुम्हारी बात सुनी होती तो आज हाली बाजार हमारा होता। उराल कहता है आप यकीन रखे बाबा उसके लिए भी काफी वक्त है अभी। फिर चोलबन जानदार को भी खुशखबरी सुनाती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर जानदार खुशी से खड़ा हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है अमीर सादुद्दीन आए हैं। जानदार कहता है उन्हें फौरन अंदर भेजो, फिर सादुद्दीन अंदर दाखिल होता है। वो दोनों पुरजोशी से एक दूसरे को मिलते हैं। फिर सादुद्दीन कहता है कई सालों के बाद हम दोबारा मिल गए हैं। जानदार कहता है अमीर हजरत आपने हमारे कबीले को शर्फ बख्शा है। सादुद्दीन कहता है सुल्तान ने मुझे इन जमीनों पर अमन कायम करने के लिए भेजा है, मैं कुछ दिन आपका मेहमान बनूंगा। जानदार कहता है अमीर हजरत आपको बहुत खुश आमदीद है। फिर सादुद्दीन बैठ जाता है और कहता है मैं जब तक इस इलाके का अमन खराब करने वालों से ना निपट लूं तब तक वापस नहीं जाऊंगा। उराल हंसते हुए कहता है फिर तो हमें अर्तुरुल का शुक्रगुजार होना चाहिए। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RFM TV को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।